चलिए मैं आपको अपने एक फ्रेंड से मिलाता हूँ। फ्रेंड का मुझे भाई ज्यादा कह सकते हैं, मेरा जुड़वा ही है वो बिल्कुल। आजा भाई, मैं आजा क्यों शर्मा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, इंट्रो दे फटाफट अपना। मैं हूँ जट और मैं और ये है प्रभजोत, तभी तो हम दोनों को मिला के बनता है जट प्रभजोत। नमस्ते, बड़ों को पैरी बनाओ छोटों को हेलो। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ कश्मीरी गेट मोनेस्ट्री मार्केट। ये मार्केट मोस्टली विंटर्स के लिए मशहूर है और यहाँ पे विंटर्स के काफ़ी क्लोथ मिलते हैं, बोथ जेंट्स एंड लेडीज क्लोथ मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ कोट, जैकेट, वेस्ट कोट, लेडीज के स्वेटर, गॉगल्स, वॉचेज, शूज, बहुत आइटम अवेलेबल है। आपको पूरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्या क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। मैं GoPro Hero 5 यूज़ कर रहा हूँ विद माइक एडाप्टर और माइक में उसके साथ यूज़ कर रहा हूँ पैनासोनिक का, जिससे मेरी आवाज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आती है। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि मंडे को तो सरोजनी नगर मार्केट क्लोज होती है तो आपने वीडियो कैसे बनाई। मंडे को सरोजनी नगर मार्केट क्लोज नहीं होती, सरोजनी नगर मार्केट 7 डेज ओपन होती है। बल्कि जो मंडे का डे होता है वहाँ पर चीप प्राइसेस वाले जो स्टॉल होते हैं, जो गुड क्वालिटी क्लोथ होते हैं, चीप प्राइस होते हैं, वो सिर्फ मंडे को लगते हैं, वो बाकी डेज आपको नहीं मिलेंगे। तो मंडे को सरोजनी नगर मार्केट क्लोज नहीं होती, आप बेझिझक जाइए, आपको आराम से वहाँ पे क्लोज मिलेंगे। तो अब बात करते हैं हम मोनेस्ट्री मार्केट की। तो मोनेस्ट्री मार्केट आने के लिए आपको, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आप आएंगे कश्मीरी गेट से। कश्मीरी गेट आप उतर के सिर्फ 50 रुपये का रिक्शा करेंगे और वो सीधा आपको उतारेगा मोनेस्ट्री मार्केट के गेट पे। और बाई चांस अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक से आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर दो एंट्रेंस है मोनेस्ट्री मार्केट की। फर्स्ट एंट्रेंस पे पार्किंग और सेकंड एंट्रेंस पे कोई पार्किंग नहीं। तो पहले मैं आपको फर्स्ट एंट्रेंस दिखाता हूँ, दिस इज फर्स्ट वन। तो अगर आप लोग अपनी गाड़ी वगैरह से आ रहे हैं, अपनी बाइक, अपने स्कूटर से, तो ये आप सामने वाली रोड से आएंगे। ये कश्मीरी गेट वाली रोड है, कश्मीरी गेट की रोड से आगे से आपको यू टर्न लेके आना पड़ेगा। आप यू टर्न लेके आएंगे, यू टर्न लेके आते ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये बोर्ड दिख जाएगा पार्किंग का। और ये पार्किंग का, ये सामने पार्किंग है। बहुत धीरे धीरे आना तो आपको आराम से पार्किंग दिखेगी। सामने से यू टर्न मार के आते ही ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पार्किंग है, ये आपको ब्लैक कलर का पार्किंग का बोर्ड दिख जाएगा। और अंदर सामने पार्किंग है, आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। 24 घंटे के अराउंड 20 रुपीज़ है, 24 घंटे तक आप गाड़ी लगा सकते हैं। 20 रुपये उसके बाद फिर 40 हो जाएंगे, डबल होते रहेंगे पर डे के हिसाब से। तो ये सारी पार्किंग है ये मंदिर के बाहर, और आगे गाड़ी की पार्किंग भी है। एंड दिस इज सेकंड वन। एक मैंने आपको पार्किंग वाली जगह बताई थी, वो आगे ही है, पुल के नीचे से आएंगे आप लेफ्ट में देखते आएंगे वहाँ पार्किंग वाला स्पेस है। और अगर आप वहाँ से सीधा आ जाएंगे तो आप लेफ्ट साइड में देखते आना लद्दाख बुद्धिस्ट, यहाँ पर एक गेट बना हुआ है, ये गेट सीधा अंदर मार्केट को जाता है। लेकिन यहाँ पे पार्किंग नहीं, आपको गाड़ी वहीं पार्क करके आनी पड़ेगी। या तो वहाँ अंदर अंदर से आ जाइए या बाहर रोड से आ जाइए, दोनों गेट एक ही जगह आते हैं। तो ये दो एंट्रेंस है यहाँ की। जो आप पार्किंग वाली एंट्रेंस जो आपको मैंने दिखाई है, वो जो गली से आ रही है, वहाँ पर आपका एक तिब्बतन का मंदिर भी मिलेगा, काफी अच्छा मंदिर बना हुआ, वहाँ पर जाइए, आपको भी अच्छा लगेगा, काफी अच्छा बना हुआ अंदर से। चलो चलिए मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलाता हूँ। फ्रेंड का मुझे भाई ज्यादा कह सकते हैं, मेरा जुड़वा ही है वो बिल्कुल। आजा भाई, मैं आजा क्यों शर्मा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, इंट्रो दे फटाफट अपना। मैं हूँ जट और मैं और ये है प्रभजोत, तभी तो हम दोनों को मिला के बनता है जट प्रभजोत। इस टाइम लाइव है तो तेरे को काफ़ी लोग देख रहे हैं, जो ही बोलना फटाफट बोल लो, मेन चीज़ बोलना बिल्कुल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्रीकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी बनो और छोटों को हेलो। तो जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। और हम अपने चैनल पर गिव अवे करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल गिव अवे रहने वाला है, हम फ्री गिफ्ट देंगे अपने सब्सक्राइबर को, हमें भी अच्छा लगेगा ताकि हमारे बीच में प्यार बना रहे। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, ये रही इंस्टा की आई डी, नीचे अपडेट देते रहेंगे गिव अवे के, काफ़ी अच्छा गिव अवे रहने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ख़त्म नहीं मतलब यहाँ पर इस सीन को यहीं ख़त्म करते हैं और चलो चलते हैं मार्केट में। तो ये यहाँ का तिब्बतियन मंदिर है और मार्केट 11 बजे से ओपन होनी शुरू होती है और 12 बजे तक पूरी खुल पाती है। और अभी टाइम अराउंड 11:30 हो रहे हैं, तो पहले मैं आपको ये मंदिर दिखाया था। तो आप पार्किंग से अगर डायरेक्ट गली में से आएंगे तो ये रास्ते में मंदिर पड़ता है, आए अच्छा है काफी मंदिर, मन हो तो आए, नहीं है तो आपकी मर्जी है। चलिए अंदर चलते हैं।
इनके यहाँ कहा जाता है कि ये शुभ होता है इसको घुमाना, तो इसलिए इसको घुमाया जाता है। ये जब मैं लद्दाख गया था तब भी मेरे को वहाँ पर दिखे थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे तिब्बतन मंदिर हैं। ये यहाँ पर छोटे छोटे और एक बाहर बड़ा सा भी है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। तो चलो चलते हैं अब मार्केट में। तो अंदर आते ही अगर आप लेफ्ट आ जाएंगे, लेफ्ट आते ही यहाँ पे शूज़ की काफ़ी शॉप है, काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी आपको शूज़ की। जैसे ये वाला शूज़ अच्छा लग रहा है, वाइट वाला। ये कितने का वाइट वाला? 550 का दिस वाइट वन। और ये वाला कितने का? 850। तो अंदर आते ही, अब मार्केट के अंदर आते ही लेफ्ट साइड में मैडम की शॉप है, और यहाँ पर काफ़ी वैरायटीज हैं शूज़ की और रेट भी अच्छे हैं। और मैम ये रेड वाला 850, दिस वन इज़ फॉर 850। काफ़ी वैरायटी है, वाइट में काफ़ी शूज़ हैं। सर्दियों के लिए टोपी वगैरह चाहिए वो भी अवेलेबल है। भैया कितने की है टोपियाँ? 250 रुपये की। इससे कम भी है या इससे कम में कोई भी नहीं है? ये कितने वाली है? ये 150 की। ये वाली 150 की, और आगे वाली जो आप देख रहे हैं ये 250 की। तो ये मार्केट काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन वैरायटी काफ़ी मिल जाएगी आपको, ये गली गली में ही है। भाई ये शर्ट कितने की है? 650 डेनिम की शर्ट है, काफ़ी अच्छी है। और ये भाई 150 का, 150। और काफ़ी वैरायटी है इनके पास, शर्ट्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली, सारी शर्ट्स हैं और टी शर्ट भी है नीचे। ये टी शर्ट कितने की भाई? 250 रुपये की। 250 से कम भी कोई टी शर्ट है या स्टार्टिंग 250 है? स्टार्टिंग 250 है, ठीक है, नॉर्मल रेट है, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको बेस कोट वगैरह मिल जाएंगे। भैया कितने का? कितने हाँ कितना? येलो टैग में। ओके नहीं, प्रॉपर प्रिंट नहीं है, मिटा हुआ है। 850। तो ये बेस कोट देख रहे हैं आप, ये 850 का है। और जैकेट कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, येलो अट्रैक्टिव है, 1150। काफ़ी वैरायटी है इनके पास। दिस वन इज़ फॉर 650, 650 की। और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, गर्म भी लग रहा है और कलर भी अट्रैक्टिव है। लेडीज स्वेटर्स भी हैं इनके पास। और दिस इज शॉप नंबर 6 और 5, साथ साथ में ही है। और ये लेडीज स्वेटर है 6 पे, 700 की है वाइट वाली स्वेटर, और ये वाली 600 की। ऐसा नहीं है, रेट सबके सेम ही है, कुछ कम भी है, किसी की ज़्यादा भी है। भैया सस्ती से सस्ती कितने की होगी? सस्ती हाँ लेडीज़ का 600 का। ओके, और महंगी से महंगी 1200 की। अपने पास स्टॉल भी है भैया? स्टॉल खाली स्वेटर ही होंगे, फुलजू है। ओके ये कितने का भैया? हाँ ये ऊपर पहनने के लिए पता है मुझे, कितने का ये? 600 का मिल जाएगा। दिखाना एक बार, ये पुलजू है 600 रुपए का। तो कलर इसमें काफ़ी वाले, कलर कितने होंगे भैया? कलर बहुत सारे हैं इनके पास। तो शॉप नंबर 7 के सामने जो गली है, आप इसमें आएंगे तो आपको बच्चों के क्लोथ्स मिल जाएंगे, काफ़ी छोटे से लेके, ये देख सकते हैं आप। भैया कितने की है? 550। ये स्टार्टिंग इतनी है, इससे कम भी है, स्टार्टिंग इतनी है, बच्चों के तो वैसे ही महंगे होते हैं। और ये वाला देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ग्रीन का। ये कितने का भैया? 800 का। और ये वाला? ये 900 का। काफी अच्छा लग रहा है और काफी गर्म है। और भैया ये वाली,
येलो वाली 550 सर, 550। और एक गर्म वाला पजामा पिंक वाला 250 रुपये का। ये सारे 250 के अलग अलग रेट है, अलग अलग है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर P2 और शॉप नंबर 2 पे खड़ा हूँ मैं। यहाँ पे आपको बच्चों की काफ़ी ड्रेसेस मिल जाएंगी और रेट काफ़ी अच्छे हैं। भैया आपका नाम? तैनजीन। और काफ़ी वैरायटी है इनके पास बच्चों की? हर चीज़ मिल जाएगा, हर चीज़, हर चीज़ से लेकर शर्ट से लेकर सब कुछ। क्वालिटी बढ़िया। और ये प्राइस हल्के फुल्के सही बताएंगे आप, बार्गेन करा सकते हैं, बस आपके ऊपर आपकी बातचीत कैसे है। बेबर ये वाला पीस खोल के दिखाएंगे, ये कितने कितने साल के बच्चे के लिए? ये जीरो साइज होता है, 1 साल तक का। 1 साल तक के लिए ये होता है, 1 साल तक। ओके, अच्छा ये ऊपर टाई बेल्ट है, ये बंद भी हो जाएगी। कितने का भी? ये 780 के अराउंड। और काफ़ी सॉफ्ट है। और ये जैकेट देखिए कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, फैंसी पहाड़ी में, फैंसी टाइप है। नीचे सेम इसकी पजामा, सॉफ्ट पजामा भी है और अंदर से गर्म भी है। कितने की भैया? ये 780 का। तो इनके पास ऐसा नहीं है, लेदर जैकेट भी है बच्चों की। ये कितने साल तक के लिए? ये 4 साल से लेकर 15-16 साल तक। ओके, कितने की होगी ये? 1600 रेंज में 1600 की रेंज में लेदर है। अच्छा अंदर, ओके पर अंदर स्वेट शर्ट बच्चों की चाहिए आपको, जिपर में बच्चों की, आपको कोई भी आइटम चाहिए विंटर से रिलेटेड आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ये देखो अंदर फर है, तो कर गर्म होगा ना, ये फ्लफी जैकेट भी मिल जाएगी। ये देखिए कितनी, कितना अच्छा कलर लग रहा है। कितने का ये? 1200-1300 की रेंज में आ जाएगा। वूलन स्वेटर्स भी हैं, जीन्स भी है बच्चों की। तो आप यहाँ पर आएंगे तो भैया आपको यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे बिना कुछ लिए। काफ़ी वैरायटी है इनके पास। तो चलो थैंक यू भैया, हैव अ नाइस डे। आपको यहाँ पे बेल्ट्स की वैरायटी मिल जाएगी और गॉगल्स भी हैं भैया के पास। तो कितने कितने की बेल्ट है? 150 से लेके 500 तक की रेंज की। और प्योर लेदर है या प्योर लेदर है? ये कितने की है? ब्राउन वाली ये 150 की, पर लेदर नहीं है। अच्छा लेदर नहीं है, 150 की है। लेदर में कौन सी है? ये सारी लाइन, ये सारी लेदर है। कितने कितने की है भैया? ये 300 की भाई, ये जो टैग लगे हुए, ये 250 की है सर, ये 350 की है। ओके 350 में, जिसमें बकल बढ़िया है उसमें, ये 350 के। और बकल काफी अच्छे अच्छे हैं, डीजल के, टॉमी के, लिवाइस, काफी बकल की वैरायटी है इनके पास। और बेल्ट तो दुनिया भर की है। और भाई ये वाली बेल्ट बताचे 500 की। ओके, ये सारी 500 की जानी है। तो आपका शॉप नंबर क्या भैया? 15। कार्ड होगा कोई अपना? तो ये शॉप नंबर 15 है, कौन सी वो है? सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स, मोनेस्ट्री के अंदर ही सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 15। आइए आप इनके पास, काफी वैरायटी मिल जाएगी। गॉगल्स में कितने कितने के भैया गॉगल्स? 100 ईच। टी शर्ट की भी काफी वैरायटी भैया। कितने कितने की टी शर्ट? कितने कितने की है? 650, 750, 250 अलग अलग। 650, 750, 950। स्वेट शर्ट है, टी शर्ट नहीं है। स्वेट शर्ट आगे वाला कम है, 650। ये भी 650। बस स्टार्टिंग 650 सही है। ₹1,050। यहाँ पे वॉच की शॉप भी है और काफ़ी वैरायटी है भैया के पास। ऐसी वॉचेस भी हैं जिनके क्रोनो भी वर्किंग है प्रॉपर, और काफ़ी वैरायटी है, लेडीज जेंट्स सब मिलेगा। गॉगल्स भी हैं भैया। जी शॉप के कितने की है? 550। आपको जीन्स वगैरह ही मिल जाएंगी भैया। किस किस रेंज में जीन्स? 800, 850, 900। ये वाली रफ वाली ब्लू कलर,
850 की, और ये वाइट 750। स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग रेंज? स्टार्टिंग रेंज 750। और लास्ट अच्छा स्टार्ट टू एंड वाला 800-850 तक मिल जाती है। ओके, तो काफ़ी जीन्स की वैरायटी है और कलर भी काफ़ी अवेलेबल है। कैजुअल्स में आपको ट्राउज़र टाइप चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। शॉप नंबर क्या भैया आपका? 57 शॉप नंबर। आप अंदर से सीधा आते रहेंगे तो ये 57 शॉप नंबर है भैया की। तो आपको यहाँ पर पार्टी वेयर ब्लेजर्स भी मिल जाएंगे। तो आपको सर्दियों का सारा सामान मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ आने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ सिर्फ कैश चलता है, ना पेटीएम ना क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं। आपके पास कैश है तो ही आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। भैया ये वाली जैकेट कितने की है? 1550 की। तो ये कार्गो टाइप में आ जाती है ना? ओके। और ये वाली भैया 1850। फर वाली जैकेट है, काफी गर्म होगी अंदर से। फिटिंग भी बढ़िया है, आप लोग बताइए कमेंट्स में कैसी लग रही है। फिटिंग काफी अच्छी आई है तो मुझे मेरे दोस्तों कमेंट्स में बताना कैसी लगी आपकी ये जैकेट। तो यहाँ पे श्रग्स भी हैं, 400 से स्टार्टिंग है, 700 तक के हैं। ये जो श्रग देख रहे हैं आप, ये वाला 400 का है। भैया जितने पीछे टेंगे सारे 400 के हैं ऊपर तक। और कलर काफ़ी हैं, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ब्लैक, रेड। भीड़ देखिए इस मार्केट में। जब मैं आया था तब कितनी कम भीड़ थी और अब देखिए बुरा हाल है, पैदल चलने की जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना, नीचे रेड कलर का आइकन हो रहा होगा उसको क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आती रहेगी जब जब मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। आने वाले टाइम में मैं एक बहुत अच्छा गिव अवे करने वाला हूँ। गिव अवे मीन्स मैं अपने सब्सक्राइबर्स को गिफ्ट दूंगा, जो मेरे खास सब्सक्राइबर बहुत अच्छे सब्सक्राइबर होंगे तो उनको मैं गिफ्ट देने वाला हूँ, सबको नहीं कुछ को दूंगा। और गिव अवे मैं आने वाले टाइम में करता रहूंगा, ऐसा नहीं है गिव अवे के बाद और गिव अवे नहीं करूंगा। तो गिव अवे के प्रॉपर अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे देता रहूंगा, ये हैंडल है, इस पे फॉलो कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।